सो अब हमें पूरा कंप्लीट फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये प्रिस्क्राइब्ड है एज पर ASC रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, हम उस ईयर का नाम लिखते हैं यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड और एंड की डेट डाल देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, फर्स्ट इज पर्टिकुलर कॉलम, सेकेंड इज अमाउंट, थर्ड इज ऑल्सो अमाउंट, दिस इज इनर कॉलम एंड दिस इज फाइनल कॉलम। ओके, फर्स्ट पार्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां पे हम अपनी जो भी अभी हमने सीखा उस फॉर्मेट के अंदर आपने ड्राफ्ट करना है। देखिए, पहला करंट ईयर सरप्लस या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसके लिए आप हमेशा क्या बनाने वाले हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने वाले हैं, उसको आप याद कर लें या कैसे भी करें। प्लस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, आप इसको प्लस भी करेंगे माइनस भी, प्लस किसको करेंगे, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को आपने प्लस करना है और इनकम्स को माइनस, देन प्लस माइनस। अच्छा, कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने नॉन ऑपरेटिंग ऊपर लिख दिया और नॉन कैश, नॉन कैश आइटम्स, इसमें एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम प्लस और इनकम्स को क्या करते हैं माइनस, राइट। अब आपने क्या करना है, यहां तक आप जब पहुंच जाते हैं दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये इनर कॉलम में आप लिखते हैं, उसके बाद टोटल आप यहाँ फाइनल कॉलम में डाल देते हैं और यहां पर हमारी जो फिगर आ जाती है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर प्लस माइनस करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को, और प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को। आफ्टर दैट हमारे पास ये फाइनल फिगर आ जाती है, जितना भी वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ यहाँ आ गया। लास्ट में हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और हमारे पास फिगर आ जाती है, ए पार्ट का आंसर आया था, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें हम प्लस करते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, जो भी अभी लिखवाया है लास्ट क्लास के अंदर, मतलब लास्ट वीडियो में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स प्लस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऐड हो जाता है, और ये आपका आ जाता है बी पार्ट का आंसर, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स और बोरोइंग्स, प्लस हो जाता है, पेमेंट्स, रीपेमेंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स और बोरोइंग्स, ये माइनस हो जाता है। अच्छा हाँ जी, अब इसके बाद हमारे पास पर पेमेंट्स आ जाती हैं टुवर्ड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रीमियम एटसेट्रा, एंड हमारे पास सी पार्ट का आंसर भी आ जाता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपके पास ए पार्ट भी आ गया, बी और सी तीनों आ गए, आपको अलग अलग पता चल गया कि किससे कितना पैसा आ रहा है, राइट, पता चल गया। तो आपके एनालिसिस में हेल्प मिली कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो आया या गया, इन्वेस्टिंग से कितना पैसा आया या गया, और फाइनेंसिंग से कितना पैसा आया या गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया है, तो आपको पैसा तो अच्छा दिखेगा आता हुआ, ओवरऑल पैसा तो बहुत अच्छा दिखा, कैश बुक में तो दिखा यार पैसा इतना अच्छा आया है, लेकिन जब हमने एनालिसिस करा तो पता चला कि ये पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, ऑपरेटिंग का नहीं है। आपने लैंड बेच दिया 5 करोड़ का, तो दिख रहा है पैसा तो 5 करोड़ आ रहा है, लेकिन जब हमने एनालिसिस करा तो पता चला ये पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, ठीक है। अब देखिए डी पार्ट इज नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ठीक कैसे निकलेगा, जब आप तीनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी को, ओके। अब आपको ये पता होगा कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या गलत है। हाँ जी, तो आपने निकाल लिया कि पूरे साल में कितना पैसा आया, ए से भी, बी से भी और सी से भी, ए बी सी एथे गई सी। अब इसमें आपने प्लस करना है, क्या प्लस करना है, ये प्लस करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने थे आपके पास ऑलरेडी। लेट से आपके पास 1 लाख रुपया ओपनिंग में था, साल के शुरू में था, और पूरे साल में आपको 10 लाख रुपए आए हैं, ठीक है। तो 10 लाख रुपए आपके पास पूरे साल में आए, 1 लाख रुपए आपके पास पहले से पड़े हुए थे, तो बताओ हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 11 लाख। और वो 11 लाख क्या इंडिकेट करता है, आपकी बैलेंस शीट में 11 लाख रुपए हैं और होने चाहिए, अगर आपका आपका आंसर ठीक है, तो समझ आ रही बात। तो आपका आंसर ही कभी भी गलत नहीं होगा, 8 on 8 आएंगे या 10 on 10, 6 on 6, जो भी आपका आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपका ये अमाउंट मैच कर जाएगा, समझ आ रही बात। तो आप जब सॉल्व कर लेंगे तो उसमें ओपनिंग कैश ऐड कर दो, तो आपके पास क्लोजिंग कैश की वैल्यू आएगी 11 लाख, बैलेंस शीट में चेक करोगे, अरे 11 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा, यू विल गेट योर आंसर, मतलब यू विल गेट टू नो कि आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, ठीक है। सो ओवर फॉर टुडे, और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो जरूर देखनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाए, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं वो भी लिखवा रहा हूं मैं, वी विल डू 5 एडजस्टमेंट्स, 5 कॉमन एडजस्टमेंट्स, और वो 5 कॉमन एडजस्टमेंट लिखेंगे आप, पहली एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके बारे में हम खुल के बात करेंगे। सेकंड इज ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड इज प्रपोज डिविडेंड फोर्थ इज
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। एक मिनट, फिफ्थ इज एबनॉर्मल लॉसेस। और गेन्स, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। फिक्स सेट के अंदर वी हैव टू ट्रीटमेंट्स। देखिए, फिक्स सेट के दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट। एंड सेकेंड इज डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन एसेट। आपने कभी कोई ऐसा केस देखा, एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा? कोई ऐसा केस देखा आपने जिसपे फिर एसेट पे कभी डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है? देखा है कभी ऐसा केस होता है? व्हेन देयर इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज ना करके उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाते हैं। क्लियर है? सो दीज आर दी एडजस्टमेंट दैट वी नीड टू डू। मतलब दो क्लासेस की सारी एडजस्टमेंट है, उसके बाद ही चैप्टर ओवर है, और फिर एक दो क्लासेस में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।